हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, ज़रूरी तो नहीं है कि सबने सब कुछ देखा हुआ हो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है ओटीटी के ऊपर। तो आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जिन्होंने ब्रेकिंग बैड जैसी एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वो नहीं देखी होगी, और जो कि आज तक का बेस्ट शो माना जाता है। मैं ये बोलूँगा माना क्या जाता है कि बेस्ट है, और आज मैं आपको बताऊँगा कि ये बेस्ट क्यों है। ये एक ऐसा केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट की कहानी है जिसे कैंसर डायग्नोज होता है और वो अपनी फैमिली के लिए मरने से पहले कुछ करना चाहता है। कोई भी फैमिली वाला आदमी ऐसा सोचेगा कि मैं कुछ कर जाऊं और पैसे पीछे से छोड़ जाऊं। अब टाइम उसके पास कम है, तो ये फैमिली मैन ड्रग्स की ओर जो है रुख कर लेता है। और बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर इज वेरी गुड विद साइंस एंड फॉर्मूलाज एंड मेक्स द बेस्ट ड्रग दैट इज 99.1% प्योर, जो कि पूरे माफिया को हिला के रख देता है कि ये ड्रग एक्चुअली में से आया कहाँ से, और उसकी मदद करता है जैसी इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सोन इस प्रोडक्ट बिकम्स वेरी वेरी पॉपुलर और माफिया जो है कम्प्लीटली अपसेट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों, ये सीरीज इतनी अच्छी और खास क्यों है। ये एक ऐसी सीरीज़ है दोस्तों जो कि ब्लैक और वाइट का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, और आप जो है सिर्फ ग्रे शेड्स देख पाते हो जो कि जीवन की सच्चाई है। आप जानते हो कि मेन कैरेक्टर मॉरली शायद सारी गलत डिसीजंस ले रहा है, पर उसका जो रीज़न है अपनी फैमिली के लिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप चाहते हो कि वो सक्सीड कर जाए और वो किसी भी तरीके से फेल ना हो। कहानी को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रियल रखा गया है कि मान लो अगर कोई एक मिडिल क्लास आदमी जिसका कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं है, वो ड्रग्स बनाने लगे तो बेचेगा कहाँ, रखेगा कहाँ, उसको कैश मिलेगा तो उसको बचा के रखेगा कहाँ। सब इतना ज़्यादा रियल है कि आप टोटली इसके अंदर इंडल्ज हो जाओगे और आप सोचने लग जाओगे अब ये कैरेक्टर करेगा क्या। कैरेक्टर डेवलपमेंट दोस्तों इस सीरीज़ की मैं बोलूँगा अब जान है, बेंचमार्क है, इससे अच्छा मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन कैरेक्टर्स को देखोगे तो जो उनकी ग्रोथ है, उसके सोचने का जो तरीका है, और आपके दिमाग के अंदर ऑर्गेनिकली वो फिट करा देगा डायरेक्टर। और इवन जो उसके ड्रेसिंग सेंस है लोगों की, जैसे मिडिल क्लास है तो थोड़े गॉडी कलर के कपड़े होंगे, चेक्स होंगे, और उनके कपड़ों की पसंद क्या होने वाली, ये तक आपको पता चल जाता है। तो आई मीन यू विल बी टोटली इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स एंड यू विल नो देम कम्प्लीटली बाय हार्ट। हर सीन जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि एक एक जो चीज़ है, चाहे वो घर का कोई भी कोना हो, कार हो, ब्रेकफास्ट की प्रेफरेंसेस हो लोगों की, और कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, रूम के किस कोने के अंदर है, ये तक डायरेक्टर जो एस्टैब्लिश कर पाते हैं और आप उससे रिलेट करते हो। कास्टिंग इस शो की दोस्तों इससे अच्छी हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज दे हैव लिव्ड द कैरेक्टर। वॉल्टर वाइट का जो कैरेक्टर है, जो मैंने केमिस्ट्री टीचर बताया, उसका स्टूडेंट जैसी जो उसको हेल्प करता है, उसकी वाइफ स्काइलर, या फिर वॉल्टर वाइट जूनियर जो उसका बेटा, या श्रेडर जो डीए एजेंट है, सबका कैरेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजिंग है कि आपको लगेगा कि शायद ये इंसान वही हैं और ये रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये डेफिनेटली वही इंसान है। तो आपकी जो रिलेटेबिलिटी है वो स्काई हाई हो जाती है। ब्रेकिंग बैड के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों वो है इसकी डायरेक्शन, डायलॉग्स एंड राइटिंग, विच इज़ वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो जो मैनरिज्म है एक एक कैरेक्टर का वो बहुत ही केयरफुली एस्टैब्लिश कर दिया जाता है एक एक एपिसोड के अंदर। शुरुआत से लेके एंड तक आपको कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं लगेगा, और जो कुछ भी हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, वो एकदम वाटर टाइट तरीके से रखी गई है। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा इंटेलिजिंग है, और जो क्राइम होता रहता है बार बार पे, तो वो आपको ना सीट से हिलने नहीं देगा। जैसे मैंने बताया, वॉल्टर वाइट का जो कैरेक्टर है वो क्राइम के दलदल में फंस रहा है, तो जो उसकी कैरेक्टर की हिचक है वो धीरे धीरे कैसे दूर होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और मतलब एकदम कोई भी कहने की बात ये है कि डॉन नहीं बन जाता, तो वो पहले किस तरीके के छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर उसके बाद कैसे बड़े क्राइम्स की तरफ झुकाव हो जाता है और किन वजहों से होता है, वो सब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है। और आपको लगेगा कि ये कॉमन मैन की कहानी है, ये किसी डॉन की कहानी नहीं है। तो टू कंक्लूड, मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ अ मस्ट वॉच सीरीज़, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एपिसोड वन में एक छोटा सा न्यूड सीन है, अगर आप उसको किसी तरीके से अवॉइड कर पाओ तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो उसको। थोड़ी बहुत फिल्दी लैंग्वेज है विच कैन बी इग्नोर्ड इन टुडेज़ टाइम। दिस शो कैन नॉट बी मिस्ड, आई एम अगेन सेइंग, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल स्टार्ट दिस शो यू विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट ऑल द एपिसोड्स इन वन गो। बेस्ट चीज़ दोस्तों इसके अंदर ये है कि इसका इवन एंड भी बहुत रियलिस्टिक है। इस तरीके की स्टोरी का एंड यही हो सकता था। तो मेरा मूवी जो भी स्कोर दोस्तों रहेगा A++। दिस इज़ द बेस्ट सीरीज एवर। अगर आपको कोई बोलता है कि इससे अच्छी जो सीरीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइकिंग्स है, वो भी बहुत बढ़िया है, और GOT है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, वो भी बहुत बढ़िया है, बट ये अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है वो हो ही नहीं सकती किसी और सीरीज में। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट, आप देखोगे, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखो और उसके बाद फिर वापस आना और बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। सी यू, बाय।